हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है सॉल्यूशन मित्र पे। तो आज का क्वेश्चन हमें दे रखा है, व्हाट इज़ द इन रेडियस ऑफ द इन सर्कल शोन इन द फिगर। सो हमें इन सर्कल दे रखा है एक, यहाँ पे देख सकते हो, जो कि एक राइट एंगल ट्राइंगल समकोण त्रिभुज के अंदर है भाई, है ना। तो इसके हमें इन रेडियस फाइंड करनी है। सबसे पहले तो इन सर्कल होता क्या है, इन सर्कल होता है भाई जो किसी भी शेप के अंदर आता हो। इस प्रकार से सपोज ऐसा भी हो सकता था, ठीक है, ऐसे यहाँ पे अगर ये ऐसे मतलब क्वाड्रिलेटरल के अंदर भी आ सकता, किसी के भी अंदर आता हो उसे इन सर्कल बोलते हैं। वो किसी शेप किसी आकृति के अंदर आना चाहिए। तो यहाँ पे देखो ये एक समकोण त्रिभुज के अंदर आ रखा है, तो देखो ये पूरा का पूरा इसके अंदर आ रखा, भले ही मैंने उतना अच्छे से बनाया नहीं रखा, पर ये पूरा का पूरा इसके अंदर है, तो इसे इन सर्कल कहेंगे। इन रेडियस क्या होगी, अरे जो इन सर्कल है उसकी रेडियस को इन रेडियस कहते हैं। तो जैसे यहाँ पे ओ अगर इसका सेंटर है इस इन सर्कल का, ठीक है, तो इन रेडियस क्या हो गई, ओ ई, ठीक है, या ओ एफ या ओ जी, ये क्या होंगी हमारी इन रेडियस कहलाएंगी, है ना। और अब देखो हमें राइट एंगल ट्राइंगल की भुजाएं पता हैं, साइड्स पता हैं। ये हाइपोटेनियस है कर्ण 41 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर 9 सेंटीमीटर है, और बेस 40 सेंटीमीटर है। ओके, सो हमें अब इन जो हमें गिवन कंडीशन है उनसे हम जो हमारी इन रेडियस है वो कैसे फाइंड करेंगे। तो देखो भाई दो मेथड हैं इसके, ठीक है, इन रेडियस फाइंड करने के, ठीक है, मैं बताता हूँ। पहला तो है कि हम इन रेडियस कैसे फाइंड करते हैं, उसमें होता है कि बेस करेंगे, बेस प्लस परपेंडिकुलर प्लस सॉरी माइनस हाइपोटेनियस होता है, माइनस ऑफ हाइपोटेनियस, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 होता है, ठीक। अब देखो इस क्वेश्चन में देखो भाई, बेस क्या है, बेस 40 है, ठीक, प्लस परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है 9, और माइनस हाइपोटेनियस यानी कि हाइपोटेनियस क्या है, कर्ण 41 डिवाइडेड बाई 2। सो क्या पता क्या मिला मुझे यहाँ से, देखो भाई ये 40 और 9 49 हो गया, 49 में से 41 गया 8 बचा, है ना। तो 8/2 कितना होगा, 4, तो 4 सेंटीमीटर है इन रेडियस, है ना, यानी कि ओ ई, ओ एफ और ओ जी जो कि इन रेडियस हैं, ये हमें 4 सेंटीमीटर मिल गई यहाँ से। अब देखो एक तो इन रेडियस ऐसे मैं फाइंड कर सकता हूँ, एक देखो भाई इन रेडियस दूसरे मेथड से भी फाइंड कर सकता हूँ। उसमें इन रेडियस फाइंड करने के लिए क्या करते हैं कि जैसे यहाँ पे ये दे रखा है ना जिसके अंदर ये है, तो मैं क्या कर दूंगा यहाँ पे लिख दूंगा एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, ये राइट एंगल ट्राइंगल में अगर मुझे इन रेडियस फाइंड करनी है किसी सर्कल की, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल डिवाइडेड बाई सेमी पेरीमीटर ऑफ सर्कल, सेमी पेरीमीटर ऑफ सर्कल बोल रहा मैं, सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। सेमी पेरीमीटर क्या होती है, वही हीरोन फार्मूला में आपने देखा ही होगा जिसे एस कहते थे। एस क्या होता था, तीनों साइड का सम करो, वैसे भी देखो ना तीनों साइड का सम करूंगा तो वो तो पैरामीटर हो जाएगा, ठीक है, इसको 2 से डिवाइड कर दूंगा या पैरामीटर का आधा कर दूंगा तो वो हमारा सेमी पैरामीटर कहलाएगा, ठीक। तो देख लो भाई यहाँ पे सेमी पैरामीटर निकालना है, तो पहली साइड है 40, दूसरी साइड है 41 और तीसरी साइड है 9, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से देखो आप 41 प्लस 9 हो गया 50, 50 प्लस 40 हो गया 90/2, 90/2। सो यहाँ से मुझे क्या मिला, भाग देने पे 45, तो 45 सेंटीमीटर आई मेरी क्या, सेमी पेरीमीटर। तो यहाँ आप फॉर्मूले में वैल्यू रख दो भाई इसकी, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, 1/2 गुणा आ गया बेस गुणा आ गया हाइट, है ना, बेस गुणा आ गया हाइट, तो बेस गुणा हाइट, बेस क्या है 40 और हाइट क्या है हमारे इस राइट एंगल ट्राइंगल की 9 सेंटीमीटर, ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या करूँगा सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर यहाँ पे निकाला मैंने 45, ठीक है। तो इसको सॉल्व करूँगा, ये देखो ये यहाँ से देखो भाई ये 5 से डिवाइड हो रहा है, इसको रब कर दूँ, कर ही देता हूँ रब, जगह बच जाएगी हमारे पास आसानी से। अब देखो यहाँ पे 5 से डिवाइड किया इसको, तो 5 9 45, 5 8 40, तो यहाँ से 9 से ये 9 भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ ऊपर क्या बचा 8/2 बचा, 8/2, और 8/2 का मान कितना होगा 4, तो यहाँ से भी क्या मिला मेरे को 4 सेंटीमीटर, यानी कि दोनों के दोनों मेथड क्या हैं, सही हैं, ठीक। तो इस प्रकार से हम किसी इन सर्कल की जो है इन रेडियस फाइंड कर सकते हैं जो कि एक राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर है, ठीक। अब यहाँ पे देखो भाई आप लोग कहोगे चलो ये तो सीधे फॉर्मूले से हो गया, अभी अगर मुझे ये प्रॉपर मेथड से करना होता या मैं कहूँ कि ये फॉर्मूला ही कहाँ से आ रहा है तो कैसे होता भाई, तो अगर मैं उसको यहाँ एक्सप्लेन करूँगा तो वीडियो तो बहुत लंबी हो जाएगी फिर, है ना।
अगर आप लोग चाहेंगे तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में कि कहाँ से फॉर्मूला ये जनरेट हो रहा है और कैसे हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करके अपनी इनग्रीडियंट्स निकाल पा रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।